हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करना है। नाउ लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ओके, वीडियो कट हो गई। नाउ शॉर्ट सर्किट देखिए, शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या कि कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या कि दो टर्मिनल शॉर्ट हो जाना, ठीक है ना। और उसमें शॉर्ट होने के बाद क्या होता है, करंट इनफाइनाइट फ्लो होता है। ओके, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ ओपन सर्किट का मीनिंग क्या होगा, देखिए कि जस्ट वायर कट हो जाएगा या फिर किसी तरह से कनेक्शन लूज हो जाना। ओके, ठीक है, ये है ओपन सर्किट का एग्जांपल। ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज। ओके, ओपन सर्किट मतलब क्या, कभी कभी वायर कट जाता है। देखो, वायर कट होने से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है, उसी क्या बोलेंगे हम लोग ओपन सर्किट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, इधर क्या है, वायर कट हो चुका है, ठीक है, वायर कट हो चुका है और बीच में क्या है, ये राइट। सो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे होगा इनफाइनाइट। ओके, सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट कितना फ्लो होगा, जीरो फ्लो होगा। ओके, सो ओपन मतलब सिंपली कनेक्शन क्या हो जाना, कट हो जाना है। ओके, कनेक्शन कट हो जाने से क्या हो जाएगा, करंट की पाथ है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, करंट की पाथ। ओके, और करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ देखिए, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। उसमें मैंने क्या लिखा है, पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, तब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, नाउ सपोज ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। ओके, और रेजिस्टेंस है आर वन, आर टू और ए आर थ्री। ओके, नौ तीन रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सो इस केस में आपका आर इक्विवेलेंट मींस आर ए बी क्या होगा, ठीक है, ये दो टर्मिनल के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, नौ सब में पहले तो मैं आपको बताता हूं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होगा। ओके, नौ सीरीज कनेक्शन मतलब क्या, देखिए कि तीनों रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है। ओके, देखिए इधर जो करंट आई फ्लो हो रहा है वही करंट तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। ओके, सो इसे बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, राइट। सीरीज कनेक्शन का मीनिंग देखिए, फिर से एक बार सुनिए, जब करंट तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा, सेम आए, ठीक है, सो उसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में आपका आर इक्विवेलेंट होगा जस्ट समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ओके, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीरीज में आपको पता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री समेशन होगा जस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, तीन रजिस्टर है सपोज, ये और बी दो टर्मिनल है, ठीक है, ये आर वन रजिस्टर, आर टू रजिस्टर, आर थ्री रजिस्टर। नाउ इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा। ओके, ठीक है, सो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, राइट, आर वन आर टू आर थ्री पैरेलल में कनेक्टेड है। नो, पैरेलल कनेक्शन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, कब बोलेंगे हम लोग दो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, पैरेलल कनेक्शन देखो तब होता है जब सब एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि देखिए, ये तीन एलिमेंट सेम नोड के अक्रॉस कनेक्टेड है, राइट, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, राइट, ठीक है। सो तीन एलिमेंट क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ओके, सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पैरेलल में क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, सो आर वन आर टू आर थ्री पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ इस केस में आपका आर इक्विवेलेंट होता है, देखिए इस केस में आर इक्विवेलेंट होता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट या फिर वन अपॉन आर ए बी, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग उसको, इक्वल टू होगा देखिए वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है, सबको पता है कि ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन के लिए, ठीक है। इफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल,
लिख सकते हैं पैरेलल, ओके। ना उस केस में आपका आर इक्विवेलेंट कुछ इस तरह हो जाएगा, आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ओके। देखिए इधर भी आप कर सकते हैं, आर थ्री को हटा दीजिए, आपका इक्विवेलेंट आएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ओके। सो ये हो गया सीरीज में पैरेलल में, ओके, सीरीज में पैरेलल में, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके, सीरीज में आप पैरेलल में, ठीक है। सो कोई एग्जांपल लेंगे, देखो जैसे कि फाइंड आर ए बी, ठीक है, ये स्टेटमेंट है आर ए बी या फिर आर इक्विवेलेंट, ओके। उसमें एक एग्जांपल ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, राइट। नाउ टू मतलब एक्चुअली देखिए मैंने टू यहां पर लिखा है, मतलब इसका अल्टीमेटली ये मीनिंग होता है टू ओम थ्री ओम और सिक्स ओम, ओके। नाउ कनेक्शन इस तरह से किए मैंने, ठीक है, टू ओम थ्री ओम और सिक्स ओम, ओके। नाउ आपको आर ए बी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, राइट। सो आपको फाइंड करते समय देखो क्या करना है, सब में पहले थ्री ओम और सिक्स ओम क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। आप बता सकते हो थ्री ओम सिक्स ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सो दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करो, राइट, और बाद में उसको टू ओम के साथ एड कर दो, राइट। तो आपको आर ए बी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। सो आर ए बी इस केस में क्या आएगा, देखिए टू ओम प्लस ए दोनों का इक्विवेलेंट, राइट, टू ओम प्लस ए दोनों का इक्विवेलेंट, राइट। सो ए कितना आ जाएगा, टू प्लस ए दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। थ्री ओम सिक्स ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, थ्री ओम और सिक्स ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का इक्विवेलेंट किस तरह आएगा बताइए, थ्री इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सिक्स, राइट, थ्री इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सिक्स, ओके। सो यहां जाएगा टू प्लस टू फोर ओम, ओके, सिंपल लेवल का था टू प्लस टू फोर ओम, ओके। सो आज के बाद याद रखना, देखिए जब भी थ्री ओम सिक्स ओम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आंसर आएगा टू, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, थ्री ओम सिक्स ओम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आंसर आएगा टू, ओके, इसको याद रखिए, राइट। नाउ ये एक एग्जांपल है, देखिए थ्री सिक्स मतलब ये क्या है सब, थ्री ओम सिक्स ओम फोर ओम एट ओम फाइव ओम, ठीक है, इस तरह से एग्जांपल है, राइट, ठीक है। नाउ आपको थोड़ा सर्किट अभी बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, सर्किट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप सोचोगे यार कैसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओके। नाउ देखिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम बड़ा आएगा या फिर सर्किट बड़ा आएगा तो उसमें एक छोटी सी हिंट होगी, ठीक है, वो हिंट आपको पहचाननी होगी, राइट। नाउ इस सर्किट में हिंट क्या है, देखिए इस सर्किट में हिंट क्या है कि ये दो टर्मिनल पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके, ये मतलब ये दो टर्मिनल क्या किए, शॉर्ट किए, यहां पर इस सर्किट में हिंट क्या है, ये दो टर्मिनल शॉर्ट किए, ठीक है, ये शॉर्ट किए, राइट, ठीक है। नाउ देखिए कोई रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट पैरेलल में होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओके। नाउ इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए मैं
मैं इसको बोलूंगा आर, इसको बोलूंगा सिक्स, मतलब ऑलरेडी गिवन है ए थ्री हो गया और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। नो ये आर मतलब क्या है, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको सर्किट, इसका इक्विवेलेंट मतलब क्या है, आर है राइट, और बाकी सर्किट एज इट इज मैंने ड्रॉ किया। नाउ देखिए, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा राइट। सो देखिए, उनका इक्विवेलेंट हमेशा जीरो आता है, ठीक है, मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखाता हूं, ये आर है और ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का कितना होगा रेजिस्टेंस, जीरो होगा, ये और ये बी राइट, ठीक है। सो आर ए बी फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब दो जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो फॉर्मूला क्या है, जीरो इंटू आर मतलब आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, तो ये क्या आएगा अल्टीमेटली जीरो आएगा राइट। मतलब जब भी कोई शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, उनका इक्विवेलेंट जीरो आएगा, ठीक है। मतलब देखिए, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो ओम मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, जीरो ओम मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, ओके। सो आपका सर्किट कुछ इस तरह से रिड्यूस होगा राइट, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, ये सिक्स और ये थ्री और ये हो गया ए और ये हो गया बी। नाउ आप मेरे को बताइए, ये थ्री और सिक्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है राइट, ठीक है। सो देखिए, इस सिक्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ये सिक्स और ए थ्री, कोई दिक्कत नहीं है राइट, इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ये दोनों कनेक्शन क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, ओके। सो इस केस में आर इक्विवेलेंट बताइए क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या है, थ्री इन पैरेलल विथ सिक्स, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, थ्री इन पैरेलल विथ सिक्स, थ्री इन पैरेलल विथ सिक्स, आंसर क्या आएगा बताइए, टू ओम, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ओके। सो देखिए, बड़ा नेटवर्क रहेगा तो कुछ ना कुछ हिंट रहेगी आपको, ठीक है, इधर क्या था हिंट, शॉर्ट सर्किट था, ठीक है, शॉर्ट सर्किट था इसलिए ये पूरा नेटवर्क गायब राइट, तो आंसर क्या आ गया, आ गया आपका टू ओम, आंसर क्या आ गया, टू ओम, ओके। सो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ओके। नाउ इसके बाद आएगा, देखो और दो टाइप के कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के, एक होता है ब्रिज कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन, ब्रिज कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन, ओके। ब्रिज कनेक्शन इस लेक्चर में लेंगे, स्टार डेल्टा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ओके। सो ब्रिज कनेक्शन, ब्रिज कनेक्शन, ओके। नाउ देखिए, सपोज कोई ब्रिज है इस तरह से रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये वोल्टेज करंट आए ना, आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर, अरे सपोज है आर, ठीक है। सो देखिए, ब्रिज, ब्रिज मतलब इस तरह से कोई ब्रिज है, ठीक है ना, और वो रेजिस्टेंस के कनेक्शन इस तरह से हम लोग ने किए, ओके, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री आर थ्री आर फोर, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ओके। नाउ मैं नाम देता हूं इसको, ये बी सी एंड डी, ठीक है, इस तरह से मैंने नेमिंग दी आपको, ठीक है, ए बी सी डी। नाउ देखिए, ब्रिज बैलेंस, ब्रिज कनेक्शन, ब्रिज कनेक्शन में एक कंडीशन होती है ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ओके। ब्रिज कनेक्शन में एक कंडीशन होती है ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ठीक है। सो देखिए, ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ब्रिज बैलेंस का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे हम लोग, पहले आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए पहले से, ठीक है। ब्रिज बैलेंस कंडीशन, नाउ ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या है, देखिए, व्हेनेवर व्हेनेवर आर वन आर फोर, आर वन आर फोर इक्वल्स टू आर टू आर थ्री, किसी भी ब्रिज के अंदर अपोजिट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट, अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ये अगर इक्वल होगा, किसी भी ब्रिज में अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको ब्रिज बैलेंस, बैलेंस्ड ब्रिज,
राइट। जैसे कि इधर अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, आर वन आर फोर, राइट, आर टू आर थ्री, राइट। सो आर वन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है किसी भी ब्रिज में तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड ब्रिज, राइट। नाउ व्हाट इज द बैलेंस्ड ब्रिज, व्हाट इट मींस, देखिए बैलेंस का मीनिंग क्या होगा। नाउ बैलेंस ब्रिज की कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, आर वन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री। नाउ बैलेंस ब्रिज का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। देखिए जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है आर वन आर फोर आर इक्वल टू आर टू आर थ्री, तब क्या होता है, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल सी एंड वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल बी ये इक्वल होते हैं। वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल सी और वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि देखियो, सपोज ये मैंने बीच में का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, राइट, और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी, ओके। नो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी ये क्या होगा, सेम होगा, राइट। जैसे कि इसका भी क्या पोटेंशियल, सपोज 10 वोल्ट होगा तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट। कब? ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, राइट। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट 10 वोल्ट। नाउ जब दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी क्या होगा, जीरो होगा। कितना? जीरो। 10 माइनस 10 कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर कितना है, जीरो है। वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर कितना है, जीरो है। मतलब करंट आई कितना आएगा बताइए, करंट आई कितना आएगा, जीरो आएगा, राइट। करंट आई कितना आएगा, जीरो आएगा, ओके। सो देखिए जब भी ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होगा तो सी और बी का पोटेंशियल सेम होगा। सी और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो इस रेजिस्टेंस से करंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसको मैं बोलता हूं आई डैश। आई डैश कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर आई डैश जीरो होगा तो क्या होगा, अगर आई डैश जीरो होगा तो आप ये रजिस्टर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप इस रजिस्टर को रिमूव कर सकते हो, ओके। सो देखिए ब्रिज बैलेंस कंडीशन में बता दिया आर वन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री, ठीक है। नाउ देखिए इधर लिखता हूं, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, ब्रिज वी बी इक्वल टू वी सी, ठीक है। फॉर बैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा, वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी एंड वोल्टेज ऑफ पॉइंट सी आर इक्वल, वी बी एंड वी सी, ओके। So that hence I dash will be zero, okay, ठीक है। मतलब VB VC क्या होंगे, सेम होंगे, hence I dash क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। Now I dash अगर जीरो हो जाता है, I dash अगर जीरो हो जाएगा तो देखिए बैलेंस ब्रिज को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हो बाय रिमूविंग दिस R, राइट, ठीक है। सो आई डैश इज जीरो, ओके। सो फॉर बैलेंस ब्रिज हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम समझ लो, इतनी अच्छी नहीं ड्रॉ किया मैंने। ये हो जाएगा आर वन आर टू आर फोर आर थ्री, ठीक है। नाउ समझ लीजिए इसका एडवांटेज आपको क्या होगा। देखिए ये जो नेटवर्क था ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था आपको। सपोज अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि देखिए, सपोज ये पॉइंट है पी, मतलब पॉइंट है ये और ये पॉइंट है डी, राइट ना, ये पॉइंट है डी, राइट। सो ए और डी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए और डी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज फाइंड करना है, ओके। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आपका नेटवर्क कुछ इस तरह बन जाएगा, राइट। नाउ ये नेटवर्क अगर इस तरह बन जाएगा तो आप इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो आर वन आर थ्री सीरीज में आएगा, आर टू आर फोर क्या आएगा, सीरीज में आएगा, और फिर बाद में दोनों पैरेलल में आएगी, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे,
राइट। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपका नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ये रेजिस्टेंस रिमूव नहीं कर पाओगे, राइट ठीक है। सो अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस रिमूव नहीं कर पाओगे, आपका नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो रेजिस्टेंस रिमूव कर पाओगे, आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में, राइट ठीक है। सो इस केस में देखिए यही एडवांटेज है ब्रिज बैलेंस का, राइट। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, ठीक है ध्यान दो, ब्रिज मतलब क्या, इस तरह से होगा ब्रिज, इसको बोलेंगे ब्रिज नेटवर्क, ओके। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिज नेटवर्क। नाउ ब्रिज नेटवर्क में अगर अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर इक्वल होता है तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज, ओके। जैसे कि R1 R4 इक्वल टू R2 R3 अगर ये एग्जिस्ट होगा तो क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज अगर रहेगा तो बैलेंस्ड ब्रिज में वोल्टेज ऑफ पॉइंट सी एंड बी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर वोल्टेज इक्वल होगा तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ए रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो आई डैश कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सो आई डैश अगर जीरो रहेगा तो हम लोग इस रजिस्टर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, और आपका जो ब्रिज है वो इस फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके। अगर ब्रिज इस फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोग आराम से इजीली ए और डी में का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ इस केस में अगर मैं पूछूंगा आपको आर ए डी क्या आएगा तो आप इजीली बताओगे, मेरे को क्या बताओगे, आर वन प्लस आर थ्री आर इन पैरेलल विथ आर टू प्लस आर फोर, राइट, इजीली आप लोग बता सकते हो। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप बता नहीं सकते, ओके। सो ये है ब्रिज बैलेंस की कंसेप्ट, राइट ठीक है। नाउ एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर देखिए एग्जांपल, फाइंड आर ए बी, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट। नाउ देखिए सपोज ब्रिज इस तरह है, ये है सिक्स, सपोज ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, राइट ठीक है, और ये सपोज थ्री ओम। नाउ एक ब्रिज है, राइट, एक ब्रिज है, राइट। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी में का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट ठीक है। सो सब में पहले आप लोग क्या करोगे कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं चेक करोगे, ब्रिज बैलेंस है या नहीं चेक करोगे, राइट। सो देखिए ब्रिज बैलेंस है या नहीं बताइए, 4 इंटू थ्री 12, 2 इंटू सिक्स 12, ओके। सो ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, राइट। सो हियर ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज है, राइट। इस केस में, इस सर्किट में ब्रिज क्या है, बैलेंस है, राइट। अगर ब्रिज बैलेंस रहेगा तो आप आर ए बी बताओगे, बताइए आर ए बी क्या आएगा फिर, आर ए बी, राइट। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आर आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, आर वन आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री इन पैरेलल विद आर टू प्लस आर फोर, राइट ठीक है। मतलब इधर आप लोग क्या बोलोगे, अगर ब्रिज बैलेंस है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, राइट ना, मतलब थ्री प्लस टू सीरीज में आएंगे, सिक्स प्लस